जो ड्रीम जिसकी मैं बात कर रही थी वो आज का व्लॉग है। हम जिस होटल में रुके हैं उसका नाम है द ताजमहल पैलेस। मेरा सपना था और वो सपना तब का था जब मैं फर्स्ट टाइम मुंबई आई थी, जब हम गेटवे ऑफ इंडिया को देखने आए थे। मैंने सामने होटल के सामने फ़ोटो खिंचाया था एंड गेटवे ऑफ इंडिया को देखा था, वहाँ पे भी फ़ोटो क्लिक करा था, व्लॉग बनाया था। तब मैंने सोचा यार कभी किसी दिन ना इस होटल में रुकूंगी, तो वो ड्रीम मैंने बनाया था। और उसके बाद मम्मी प्रीति सिद्धार्थ भारत की मम्मी हम सब आए थे, तब मैंने बोला था कि इस होटल में एक दिन ज़रूर रुकूंगी। और मैंने कम्युनिटी में शेयर करा था वो व्लॉग, किसी ने गेस नहीं किया। तो आज फाइनली वो चीज़ हो रही है। मैं इस होटल में एंट्री की, जैसे हम लोग आए अभी टाइम 4 बजे है, एंट्री मेरी 2 बजे हो जानी थी, 12 बजे भी रूम रेडी था, बट हम लोग सिटी घूमने चले गए थे। और लास्ट व्लॉग आपने मेरा देखा था, हम लोग टावर में रुके हुए थे, टावर में 12 बजे चेकआउट किया, 12 बजे घूम के अभी हम 4 बजे यहाँ पे आए हैं। इस होटल में जैसे ही एंटर किया, मैं अभी आपको रूम दिखाऊंगी, मतलब जस्ट वाओ। जैसे जो मुंबई आता है ना, वो गेटवे ऑफ इंडिया ताजमहल पैलेस के पास फोटो खिंचवा के ज़रूर जाता है। और आप इमेजिन करो कि आप उस होटल में रुके हो, तो इससे अच्छी खुशी की बात क्या हो सकती है। हर किसी का कुछ ना कुछ सपना होता है, तो मेरा ये सपना है और आज मैं उस सपने को जी रही हूँ। और जस्ट मुझे अभी एंटर किए हुए इस रूम में 5 मिनट हुए हैं, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं आपको रूम टूर देती हूँ कि कैसा है। और 26/11 का इंसिडेंट तो आप सबको पता ही होगा, जो यहाँ पे हुआ था वो कोई भी भूल नहीं सकता। उसके बावजूद भी इस होटल की लोकप्रियता स्टिल बरकरार है। कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए, कुछ रुकते हैं। मेरी तरह किसी का सपना होगा, मे भी पूरा हो गया हो या फिर अभी होना होगा, है ना। तो एक बार ज़रूर आना, बहुत अच्छा है, बहुत लिटरली अच्छा है। 5 मिनट हुए हैं जस्ट एंटर किए हो, लेकिन एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस जस्ट वाओ। फटाफट से पहले मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि इतना साल पुरानी प्रॉपर्टी है ये। उसमें इस प्रॉपर्टी में एक बार है जो कि फर्स्ट लाइसेंस्ड बार है मुंबई का। मतलब यहाँ की हर एक चीज़ बहुत यूनिक और बहुत डिफरेंट है। ये एंट्रेंस है, जैसे हम इस रूम में एंटर करते हैं, सबसे पहले मैं आपको, ये टॉयलेट है, ये मैं बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ये मिरर है यहाँ पे खड़ी होके, अभी मैंने अपना व्लॉग जो है वो शूट किया। और ये अलमारी है स्टोरेज के लिए दी हुई है, जो कि बहुत अच्छी है। उस होटल की हर एक चीज़ आपको बहुत एंटीक होगी। और ये मैंने सुबह पहनी थी ड्रेस, तो मैंने चेंज कर दी, मैंने सोचा चलो नई ड्रेस पहनती हूँ, नया व्लॉग बना रही हूँ। और यहाँ से हमारा जो रूम है वो शुरू हो रहा है। और ये रूम शुरू हुआ ना, तो उससे पहले ये है दरवाज़ा, है ना, एकदम विंटेज पुराना वाला ऐसे लग रहा है, पुराना स्टाइल का। और कितना आज भी उस चीज़ को मेंटेन करके रखा है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे एंटर की, ये अलमारी है, ये मैं हूँ और वो आप सब लोग हो। अरे वाह, सेम कलर का फ़ोन, सेम कलर के कपड़े। तो ये इस तरह से है, अभी हम दरवाज़ा इसको खोलेंगे ऐसे। मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ और ख़ुद भी देख रही हूँ, क्योंकि मुझे 5 मिनट हुआ है अभी आई को। तो यहाँ पे बहुत स्पेशियस है, देखो कितना प्यारा ये जो डिज़ाइनिंग है। ये खुलता है क्या? मुझे लगता है ये खुलता होगा यार, नहीं, जस्ट डिज़ाइन है। साइड टेबल देखो कितना विंटेज लुक से रेडी किया है, नीचे कारपेट और क्लीन एकदम रूम है हमारा। ये टीवी यूनिट, डेस्कटॉप काम करने के लिए बहुत ही एंटीक, बहुत ही कंफर्टेबल है। मैं आके सबसे पहले यहीं पे बैठी और ये हमने आते ही खाना शुरू कर दिया, खाया, इतना टेस्टी है। ये भी बहुत मस्त है, ये मेरा एक ड्रीम था यार यहाँ पे आके रुकना, और वो पूरा हो गया है। और ये तो ना, मैंने अभी खाने का बहुत मन कर रहा, मैंने खाई नहीं, मन का पहले मैं व्लॉग में आप सबको दिखाऊंगी, फिर मैं इसको उसी के साथ। ये है यहाँ का व्यू, वहाँ पे खड़े होके मैंने बोला था, वहाँ पे खड़े होके कि एक दिन इस होटल में हम रुकेंगे, तो आज रुकी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सो कर्टेंस देखो कितने उससे लगाए हुए हैं, कॉम्बिनेशन कितना प्यारा लग रहा है। और ये सिटिंग चेयर है, साइड टेबल है, और इधर से ऐसे है रूम। अभी हम चलते हैं इधर, ये डोर है। मैं बहुत सारे ताज होटल में रुकी हूँ, बट ये एक यूनिक अलग एक्सपीरियंस है, इसलिए ही यहाँ पे आना मेरा एक सपना था।
वाओ कितना सुंदर लग रहा है यार, ये बाथरूम लग ही नहीं रहा मुझे तो ऐसे, मतलब कितना अच्छा लग रहा है, नहीं तो है ना। और ये हमारा साबुन कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार, मस्त। और ये स्टैंडिंग शावर है, आज हम लोग यहाँ पे रहेंगे कल 12 बजे तक। सो इस मोमेंट को, इस पल को मैं इंजॉय करना चाहती हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ हाई टी के लिए, जो कि सुना है यहाँ पे बहुत फेमस है। सो इसलिए हम लोग जल्दी आ गए, क्योंकि मैंने कहा यार रूम बुक किया है तो रूम को तो मैं होटल को, रूम को, इस मोमेंट को तो इंजॉय करूँ। मस्त। अभी हम लोग चलते हैं हाई टी के लिए, जो कि है सी लाउंज में। कितने अच्छे से सब कुछ ना डेकोरेट करके दिया, तो देख के ना मेरा दिल खुश हो गया। ये है बाहर का यार, वो सब मुझे ना, मैंने जो मूवी देखी थी सब ऐसे ना याद आ रहा है, और इतना अच्छा लग रहा है कि हम वहाँ पे स्टे कर रहे हैं। टावर का स्टे बहुत अच्छा था, बट ये भी यादगार रहेगा। रूम के बाहर इस तरह से जो रखा हुआ है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और स्पेशली ये तो इसका खुशबू इतना प्यारा है। यहाँ पे रखे हुए हैं कुछ बुक्स जो कि मैं पढ़ूंगी रात को। और ये तो आपने टीवी में बहुत बार देखा होगा, जिस चीज़ को आप देखते हो ना, जब आप उसको एक्सपीरियंस करते हो तो आपको ना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लिटरली अच्छा लग रहा है। हम लोग आ गए हैं स्विमिंग एरिया में, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। सबसे अच्छा मुझे ये लगा, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत मस्त है इस होटल का। फैन देखो, काश मुझे स्विमिंग आती होती तो मैं स्विमिंग करती, क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ कहीं भी, मैं बोलती हूँ कि मैं करूँगी, लेकिन पता नहीं जब आती नहीं है तो करने को डर लगता है अंदर से ना, एक डर सा आता है। इवन मेरी मम्मी होते तो वो तो कर भी लेते, मेरी मम्मी, दीपू सब हमारे घर में कर लेते, सिर्फ मेरे को छोड़ के। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं उस जगह पर हूँ जिसके बाहर से हम लोग फोटो क्लिक करते हैं, जैसे मेरा मन नहीं कर रहा यहाँ से आने को। उनका एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं रूम में। टाइम 5 बज गया। मेरे को ना लियोपोल्ड कैफ़े जाना था, बट अभी टाइम ही नहीं है यार जाने का, क्योंकि 5 बज गया, इनकी मीटिंग है, फिर उसके बाद फिर और कॉम्प्लीमेंट्री कुछ मिलेगा, फिर डिनर करेंगे, देखते हैं। काश मुझे स्विमिंग आती होती तो कितना आसान रहता। मतलब कभी कभी मन होता है ना चाहते हो भी कि आप इतने बड़े पैलेस में आए हो तो थोड़ा सा, तो मेरा बहुत मन है मैं वहाँ पे जाके बैठूँ, बट हम सुबह से घूम रहे हैं। मतलब परस फ्राइडे को आए थे, आज सैटरडे है, मतलब फ्राइडे को भी चले थे, शाम को पहुँचे, चेक इन किया, फिर आज घूमे, रेस्ट तो हुई है, सो रही हूँ, बट थोड़ी सी थकान। मीटिंग चल रही है तो मैं सोचा मैं अकेले जाती हूँ, थोड़ा सा होटल को एक्सप्लोर करके आती हूँ, देख के आती हूँ, थोड़ा घूम के आती हूँ। और पता है मैंने सुबह से बस सुबह एक बार चाय पी थी, मैंने बिल्कुल सारा दिन हो गया मैंने चाय नहीं पी है। एक तो मन कर रहा है मैं चाय पी लूँ, पर मैं कहाँ पे पीऊँ, अकेले को थोड़ा अजीब भी लग रहा है। मैं 5th फ्लोर से बाय वॉक जा रही हूँ, घूमते हुए कि मैं हर एक मोमेंट का कैप्चर कर पाऊँ, उसको अच्छे से जी पाऊँ, और बाद में उसको देखूँ तो मैं इतनी अच्छी मेमोरी को मतलब याद कर पाऊँ। कितना प्यारा सिटिंग अरेंजमेंट है, सो ब्यूटीफुल। अरेका पाम है ना ये प्लांट, मुझे ना सबको देख के ऐसा लग रहा है हाँ मैं अपने घर में ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ। सो ये 4th फ्लोर है, 4th फ्लोर से यहाँ पे स्विमिंग पूल का व्यू है। हम लोगों की कल की वापसी की फ्लाइट है अराउंड 2:30 to 2:45 पे, दोपहर का 2:45 पे। मैं ढूंढ रही हूँ लिफ्ट किधर है। ये है लिफ्ट, इनको देखते एकदम ऐसे वैसे राजा महाराजा जैसी फीलिंग आ रही है।
देखोगे तो ब्यूटीफुल लिफ्ट है, इतना स्पेशियस है। यहाँ पे शॉप्स भी हैं, तो मैंने सोचा चलो उनको ना एक्सप्लोर जाना का है, ये मैंने डाला ही नहीं एल पे। ओह माय गॉड, वाओ, कितने सारे शॉपिंग ड्रेस लिए शॉपिंग करने के लिए। साड़ी भी है, ओह माय गॉड, इतने प्यारे प्यारे कुर्ते हैं जो मुझे पसंद है, वो बहुत कॉस्टली है, वो वाले 23,000 के। यहाँ पे तो बहुत कॉस्टली है, डीओर भी है, बट मैंने सब देखा बट लिया कुछ नहीं। मैं बैठी हूँ यहाँ पे क्योंकि मेरे को मन कर रहा था कि मैं बाहर थोड़ा घूमूँ, तब ऐसे ना अपने घर का वो चीज़ याद आ रही है मुझे, पुरानी लकड़ जैसे ना होती थी वो सब चीज़ें अभी भी यहाँ पे हैं, तो उसको देख के ना ऐसे दिल बहुत खुश हो रहा है। यहाँ पे रेन शुरू हो गई, कब बारिश होती है कब हट जाती है पता ही नहीं चलता। फिर से मेरे साथ वही हुआ कि मैं अपने रूम की की वहीं पर रखाई और नीचे आ गई, तो मुझे लिफ्ट से जाना था, फिर मुझे फिर से की बनानी पड़ी। थोड़ी सी रेस्ट की, उसके बाद मैं चेंज कर लिया मैंने कपड़े, क्योंकि ना यहाँ पे एसी इतना तेज चलता है, इसलिए मैंने ये वाला डेनिम का जैकेट जो है वो पहन ली। और मुझे सबसे पहले पीनी है चाय, और शाम को यहाँ पे ना एक सेरेमनी टाइप होता है कि मतलब दिया जलाते हैं जिसको बहुत अच्छा माना जाता है, सो वो होगा, तो उसको देखने के लिए फटाफट मैं नीचे जा रही हूँ। टाइम वैसे थोड़ा सा हो गया, मुझे लगता है कि होगा, उन्होंने बोला था 6 बजे स्टार्ट होगा, मैं थोड़ा सा लेट गई, फिर मैंने चेंज किया और बाल मैंने ऐसे बंद कर लिए, और पीछे तो जितने भी ऐसे वहाँ पे लोग हैं ना, वहाँ पे वहाँ की फ़ोटो एंड इधर होटल का फ़ोटो, सब फ़ोटो निकाल रहे हैं। सुबह मैंने आपको दिखाया था ना, मैंने दूसरे व्लॉग में देखा होगा, अब मुझे पूरा पता चल गया, मतलब 7, 7:30, 8 बजे आराम से आओ, फ़ोटो खिंचा सको, उसके बाद भी मतलब खिंचा सकते हैं, बट अभी तो बहुत रश होता है। जब हम कल रात को आते इतना रश था, आप खुद देख लो कि कितना मतलब कितनी पॉपुलैरिटी है इस जगह की, लोग दूर दूर से जस्ट यहाँ देखने को आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, फोटो क्लिक कर रहे हैं, मेमोरी को कलेक्ट कर रहे हैं। हम लोग भी फर्स्ट टाइम ऐसे आए थे, लाइट के जलने के बाद कितना अच्छा लग रहा है, ठंडी हवा चली हुई है। अभी है कॉकटेल आर्स, जिसमें है बहुत कुछ, है तो कॉकटेल आर्स बट चाय की दीवानी प्रियंका उसमें पी रही है चाय, जो कि वहाँ पे कोई भी नहीं पी रहा था। उसके बाद मैं थोड़ा सा बाहर आ गई, हर चीज़, हर पिक्चर, हर एक चीज़ जो भी आप देखोगे सब आपको एंटीक ही देखने को मिल रहा है। ये मिरर कितना सुंदर लग रहा है, सो ऐसा मन कर रहा था बस देखते जाऊँ। उसके बाद मुंबई की सड़कों पे टाइम आप देख सकते हो कितना हो गया, मैं घूम रही हूँ इनके साथ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं घूम रही हूँ, इतना अच्छा लग रहा है, मौसम बिल्कुल ठंडा है। हम लोग फिर से जा रहे हैं लियोपोल्ड कैफ़े, थोड़ा सा मन का घूम के आते हैं, देख के आते हैं, और सड़कों पे घूमना अच्छा लगता है। जब अकेले आती हूँ तब मैं इतना नहीं घूमती हूँ, इनके साथ हूँ तो मैं बहुत घूमती हूँ, अच्छा भी लगता है, थोड़ा बंदे को सेफ़ भी फील होता है, ऐसा कुछ इशू नहीं है, बट फिर भी आप हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा फील करते हो, सिक्योर्ड फील करते हो, किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती है, आपको बढ़िया लगता है। सो हम पहले भी आए थे, लेकिन मैं फिर से रास्ता पूछ रही हूँ कि लियोपोल्ड कैफ़े कहाँ है, मैं भूल गई ये भी कि किधर को जाना है। और ये है कोलाबा मार्केट, यहाँ से मैंने बहुत सारी चीज़ें उस दिन भी खरीदी और आज फिर मेरे को कुछ ना कुछ लेना है, बहुत अच्छा लगता है, देखो कितनी भीड़ लगी हुई है और बहुत सस्ते रेट पर आपको चीज़ें मिल जाती। वी आर हेयर फॉर द डिनर, खा रहे हैं रागी की रोटी पालक पनीर बस, क्योंकि यहाँ पे ज्वार की रोटी मिल नहीं रही थी, रागी की थी तो मैंने वही खाई, इतनी टेस्टी थी। जिस दिन आए थे उस दिन भी रागी की रोटी खाई थी और अभी भी रागी की रोटी खा रहे हैं। और जहाँ पे हम खाना खा रहे हैं उसका नाम है मसाला क्राफ्ट, जो कि टावर और महल जो दोनों हैं वो इंटरकनेक्टेड है, उन्हीं के साथ है। और रात का व्यू आप देखो कितना सुंदर लग रहा है। इसी के साथ मैं जा रही हूँ सोने में, आपसे मिलती हूँ सुबह। गुड मॉर्निंग, आज
हमारा यहाँ पे लास्ट दिन है, दिन भी क्या कुछ ही घंटे है, टाइम 8:20 8:30 हुआ है। हम लोग यहाँ से 12:15 निकल जाएंगे, हमारी 2:30 की फ्लाइट है। मैं जा रही हूँ नीचे रिसेप्शन पे और फिर उसके बाद मुझे थोड़ी देर वहाँ पे बैठना है पूल एरिया पे। से लिफ्ट आएगी, हेयर वॉश किया अच्छे से और आज तो घर ही जाना है तो इसलिए मैं ज़्यादा तैयार नहीं हुई, बस ऐसे ही फटाफट से टी शर्ट पहना और कंफर्टेबल लोअर ट्राउज़र क्या कहेंगे वो पहना। मुझे कहाँ जाना है, एलो पे, और आज मैं की अपने साथ में लेके आई हूँ क्योंकि जब भी मैं किसी भी होटल में जाती हूँ की का इतना दिक्कत होता है, अगर आपके पास रूम की नहीं है तो फंस जाओ फिर नहीं की बनाओ, मतलब ऐसा नहीं है टाइम बहुत वेस्ट होता है। ब्रेकफास्ट इनके साथ करूँगी, मैं सबसे पहले आज तैयार हुई हूँ। ये उठे थे सुबह, मुझे बड़ी चलना है बाहर, मैंने नहीं मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो बहुत नींद आ रही थी तो फिर सुबह उसके बाद फिर ये भी सो गए, मैं भी सो गई और मैं ना हाई पहले मैं क्या देख के आऊँ ब्रेकफास्ट कहाँ है, तो हम वही सब देख के आई घूम के आई, तो मैंने चलो यार व्लॉग भी स्टार्ट करती हूँ फिर तो हम पटना पहुँच। ब्यूटीफुल पेंटिंग्स ये सब देख के मैं सच्ची बताऊँ बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे इतने आइडियाज़ मिल रहे हैं घर को डेकोरेट करने के, अपने घर में ऐसे लगा सकते हैं, ये पेंटिंग लगा सकते हैं, तो जितनी भी पेंटिंग आप देख रहे हो कितनी प्यारी लग रही है, अगर जो हमारा कॉरिडोर पैसेज एरिया अगर हम उसमें लगाएंगे तो कितना, ये कहाँ आ गई, मैं तो गलत आ गई, हमारा रूम नंबर तो उधर का है। ब्यूटिफुल, ये कितनी सुंदर है यार, ओह माय गॉड, इसको देख के ना बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ऐसा कुछ भी है ना कितना प्यारा लगता है। हर फ्लोर पे हर जगह आपको डिफरेंट कुछ देखने को मिलेगा, जाते हुए उतना अच्छा नहीं लग रहा जितना आते हुए अच्छा लगता है, क्योंकि जाना तो होते और मैं पता सुबह सुबह गाना चल रही थी, ए वक्त रुक जा थम जा ठहर जा, मैंने ना खिचड़ी ली और ये वाइट चने और पनीर और थोड़ा सा कर्ड और बनाना पैनकेक विद मैपल सिरप। खिचड़ी यार पता नहीं कैसे बनाई थी, किस चीज़ की थी, बट इतनी टेस्टी थी। इनका बनाना केक मुझे उतना अच्छा नहीं लगा जितना सूख जो ऊपर टॉप पे रेस्टोरेंट है उनका अच्छा है, लेकिन खिचड़ी बहुत अच्छी, तो मैंने खिचड़ी की तो खूब अच्छे से खाई, इवन सुबह सुबह खिचड़ी खाने का दिल नहीं करता बट इतनी टेस्टी लगी मुझे कि मैंने खाई। एंड उसके बाद देख रही हूँ कि और क्या ऑर्डर कर सकते हैं बिकॉज ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है और उसके बाद फिर घर जाना है। हमारी 2:40 की फ़्लाइट है बट हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे अराउंड 11:40 और ये म्यूज़िक काफ़ी अच्छा लगता है। मैं जा रही हूँ सैलून, मैं कहा देख के आती हूँ ताज का सैलून कैसा है, मैं मेरे बाल स्ट्रेट कराऊंगी। बाल हमारे स्ट्रेट हो गए और मुझे मेरे पास ना वाउचर था सो उसको रिडीम करवा सकते हैं। मैंने सोचा ये कौन आ गया सामने, इधर जैसे मैं एंटर करी उनका ही कितने सारे मिरर लगे, मुझे मिरर बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे पता नहीं था यहाँ पे पार्लर है तो मैं सर्विसेज ले सकती हूँ, बहुत सारे वाउचर थे रिडीम करने के लिए। दोनों होटल में हम लोग रुके तो दोनों होटल में जो ये पड़े होते हैं पेपर इन पे मुझे कुछ ना कुछ लिखना होता है, तो इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी ताज ने हमको दी दोनों होटल्स में, अच्छा था बहुत अच्छा था, बट इसमें रुकना मेरा ड्रीम था तो मैं वो उनको लिख के जाना चाहती थी इसलिए मैंने लिखा। मेरी हैंडराइटिंग ना ऐसे सब बोलते थे मुझे कि बच्चों के जैसे लगती है, लगती भी है, लेकिन एक हाथ से मैंने अपना जो है कैमरा पकड़ा हुआ है, एक हाथ से मैं लिख रही हूँ इसलिए थोड़ी टूटी फूटी सी हैंडराइटिंग मेरी हो गई है, लेकिन सच्ची में बहुत अच्छा स्टे था तो मैं उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ। स्टाफ बहुत अच्छा था, 1% भी दिक्कत नहीं, अगर आप कभी अकेले भी रुकना चाहो ना आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आप घर से दूर हो, आपको बहुत अच्छा कंफर्टेबल फील कराते हैं, आप जो जानकारी आपको चाहिए आप हर
कुछ इनसे ले सकते हो, तो एक थैंक यू तो बनता है ना इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी देने के लिए, हमारे ट्रिप को इतना अच्छा बनाने के लिए। ट्रिप हमारे लिए हमेशा यादगार रहेगा। और इस व्यू को ना, मतलब मैंने इस व्लॉग में, मेरा सबसे फेवरेट ये कोना है, उस होटल से भी, इस होटल से भी। वो 18 फ्लोर पे था, ये 5th फ्लोर पे है। ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मैं इस पल को जीना चाहती हूँ। एंड इसको मैंने कैप्चर करा है व्लॉग में, तो मैं क्या बताऊँ, बहुत भाग्यशाली अपने आप को समझती हूँ। हम लोग कर रहे हैं यहाँ से चेकआउट, और पूरा रूम मैंने अपनी तरफ से जितना मेरे से हो सके, जो हमने चाय वाय पिए थे जो भी था वो क्लीन कर दिया। सेशे थे तो मैंने वो सब डस्टबिन में डाल दिया, और ये इधर से क्लीन कर दिया, और बेड अपनी तरफ से मैंने सेट करके रखा, उसकी जगह पे रखते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ से चलते हैं, क्योंकि होटल है तो क्या हुआ। इसको भी उठा के यहाँ पे रख, ये सब इधर रख दिया, अभी हम चलते हैं। चलो लेट्स गो। चलो जी, अपना झोला उठाते हैं और हम लोग चलते हैं अपने शहर, जहाँ पे भगवान जी ने हमारा दाना पानी लिखा है। इस शहर को छोड़ के जाने का दिल तो नहीं कर रहा, क्योंकि इतनी मेमोरी थी, एक सपना था जिसको मैंने पूरा किया, उसको जिया। ज़िंदगी में सबके बहुत सपने होते हैं, लेकिन मेरा ये एक सपना था जो पूरा हो गया। हर सपना पूरा नहीं होता, और जो पूरा हो जाए उसमें भगवान की मर्ज़ी होती है। जाते जाते मैंने सोचा कि एक दो फ़ोटो या कुछ मेमोरीज़ और अपने साथ ले जाऊं, क्योंकि भैया ने बोला 5 मिनट में बेल बॉय आएगा बैग को कलेक्ट करने के लिए। इसलिए मैं इस थोड़े से लम्हे को जीना चाहती थी। आई नो थोड़ा सा फिल्मी लग रहा होगा, बट ऐसी ही हूँ मैं। मैं बचपन से थोड़ी फिल्मी हूँ, और जो ठानती हूँ वो करके दिखाती हूँ। और कहते हैं कि जब आप कुछ सोच लो तो वो सब पूरी शिद्दत लग जाती है उसको मिलाने के लिए, तो वही सब बैठ के मैं सोच रही थी कि 5 मिनट ही थे हमारे पास इसको और कैप्चर करने के लिए। और फिर इन्होंने मेरे लिए कुछ लिखा, मैंने नहीं बोला, इन्होंने लिखा, और मुझे बहुत अच्छा लगा। आई लव यू प्रियंका। एंड मतलब ये कुछ लिखे तो बहुत बड़ी बात है यार, मैं तो लिखती ही रहती हूँ। बाय बाय ताजमहल पैलेस मुंबई। जब आप दोनों एक जगह पे आते हो ना, हस्बैंड वाइफ या कोई कपल है, आपकी बहुत सारी मेमोरीज़ बन जाती है उस शहर से, उस जगह से, उस लम्हे से प्यार हो जाता है आपको। तो वही प्यार हो रहा था लिटरली, इनको भी अच्छा नहीं लग रहा था जाते हुए। सो बट जाना तो है ही, आना जाना भगवान जी ने लिखा होता है। तो मैं थोड़ी सी सैड थी, आते टाइम जितनी एक्साइटमेंट होती है जाते टाइम उतनी नहीं होती है, बट ठीक है, इतनी सारी मेमोरीज़ अपने साथ में लेके जा रही हूँ। एंड ये मेरा 4th टाइम था इस शहर में, सो चलो चले फिर पटना के लिए, टाइम हो गया हमारा। एंड बाय बाय। जाते जाते ना दिल तो उदास था, बट भगवान जी को ये बोल रही थी कि भगवान जी इस बार टर्बुलेंस ना हो एयरप्लेन में। यार पता नहीं, मुझे पहले डर नहीं लगता था, बट अभी बहुत डर लगा मुझे। सो वही प्रे कर रही थी कि ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि यार बहुत डर लगता है टर्बुलेंस से। और जब से मैंने टर्बुलेंस वाली वीडियो देखी ना, मुझे हर चीज़ वही मेरे सामने शो हो रही है कि ऐसे वहाँ पर ऐसे हो गया, वहाँ पर ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे, तो बंदा ना डर जाता है। हम लोग पहुँच गए एयरपोर्ट, और यहाँ पे कानपुर की फ़्लाइट देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। ग्वालियर, गुवाहाटी, मैं कभी ग्वालियर नहीं गई ना गुवाहाटी गई, गोवा गई हूँ, गोरखपुर भी नहीं गई, हैदराबाद भी नहीं गई, बेंगलुरु गए ना गए एक बराबर, कानपुर तो, लखनऊ, कन्नूर, गोवा, अहमदाबाद, तिरुपति, पटना हमारी 2:40 पे है ऑन टाइम। कोची भी कभी नहीं गई। फ्लाइट का अनाउंसमेंट हो रहा है, इनमें से कोई मुझे कहीं से भी देख रहा है तो कमेंट करके बताना। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं। अदरक वाली चाय हर जगह मिल रही है, इलायची वाली चाय ही नहीं मिल रही, से बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। मैंने लिया है हल्दीराम से सैंडविच, कॉर्न स्पिनिच एंड चीज़ वाला। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, चाय पीने का बहुत मन कर रहा था,
तो अभी टाइम भी बहुत है, 2:40 की फ्लाइट है, लेकिन चाय यहाँ पे है ही नहीं इलायची वाली, तो इसलिए भी मैंने सैंडविच ले लिया। प्लेन में बैठते ही धक 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 हो रही थी, भगवान जी को मैंने बोला भगवान जी हम जल्दी जल्दी से पहुंच जाएं, है ना, क्योंकि उस टर्बुलेंस ने मुझे इतना डरा दिया, लिटरली ऐसे 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 हो रहा था ना, अभी इतना डर लग रहा था यार। उसके बाद मेरे को सारी वीडियोस वही शो हो रही थी और वो सब वीडियो मैंने देखी और मेरे दिल के अंदर इतना डर बैठ गया, अब पता नहीं क्या होगा, बट मैं यही प्रे कर रही थी कि अच्छे से हम पहुँच जाएँ। और समुद्र के ऊपर से जहाज जा रहा था, उसे घबराहट हो रही है, पहले मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता था यार, मैं गोवा गई, गोवा से फिर बॉम्बे गए, बॉम्बे से कानपुर, है ना, कितना ट्रैवल किया, डर नहीं, अभी पता नहीं कैसे डर जैसे बैठ गया मेरे अंदर। हम लोग भोपाल क्रॉस किए हैं, अनाउंसमेंट हुई है, और इसके बाद हम लोग खजुराहो क्रॉस करते हुए वाराणसी जाते हैं, पटना पहुंच जाएंगे। जी की कृपा से ये फ़्लाइट बहुत स्मूथ रही, बिल्कुल डर नहीं लगा, अच्छे से हम लोग बस लैंड करने वाले हैं। सो थैंक यू भगवान जी, थैंक यू माता रानी, थैंक यू गणपति पप्पा, हम अच्छे से पटना में लैंड कर रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है मुझे। मैं बाहर का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस है, अब आप अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, सीट बेल्ट साइन बटन। हम लोग पहुँच गए घर, 7:05 है। भगवान जी को मैंने माथा टेका, उसके बाद मैंने बालकनी का दरवाज़ा खोल के अपने प्लांट्स को देखा, बहुत अच्छे हैं, कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत टेंशन रहती है जब भी मैं जाती हूँ कहीं वापस आके, इनको मैं ज़रूर देखती हूँ। थोड़ा सा मैंने पानी दे दिया एक दो पौधों को जहाँ पर मुझे लग रहा था। वेरी गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है, हम लोग रात को आए थे, उसके बाद खाना खाया, फिर सो गए, अच्छे से रेस्ट किया, थकान मतलब ऐसे तो कुछ काम नहीं किया था, बट ट्रैवल किया था, थोड़ी हो गई थी, नींद बहुत अच्छी आ रही थी, बट मुझे रात को ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं कितने टाइम बाद वापस आई। मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल जैसे हम एंटर कर रहे थे पटना में, टैक्सी बुक कर ली थी हम लोगों ने, सो सब तरफ ना ऐसे लाइटिंग थी, सेलिब्रेशन का तैयारियां चल रही थी, तो अच्छा लग रहा था, मतलब पूरा एक वाइब आता ना कि त्योहारों वाले जो सीज़न है वो स्टार्ट हो गए। और जैसे ही हमने मुंबई हम आ रहे थे वापस, मतलब जब हम पहुंचे थे तब भी, जब हम वापसी के लिए आ रहे थे तब भी, गणपति बप्पा की सेलिब्रेशन, मतलब वहाँ पे गणपति बप्पा का जो है वो इतना धूमधाम से मनाने की उसकी तैयारियां चल रही थी मुंबई एयरपोर्ट से होटल पहुंचने के लिए, क्योंकि हम लोग नॉर्थ में थे, फिर नॉर्थ मुंबई से साउथ मुंबई जाने के लिए वो बांद्रा वर्ली सीलिंग से होते हुए गए, मतलब ऐसे जब आप गए ना होटल के लिए तो ऐसा लगता आधा तो चीज़ें जो मेन होता है ना, जैसे कोई मुंबई जाता है तो सीलिंग देख लिया एंड गेट वे ऑफ इंडिया देख लिया, ताजमहल पैलेस देख लिया एंड मतलब वो होते ना दो तीन चीज़ें आपने वही देख ली, एंटीला जो है वो देख लिया एंड वो सारी चीज़ें ऐसे जो जब जाते हैं टैक्सी में तो जब न्यू जाते तब लोग आपको बताते हैं कि ये है ये है ये, तो ये सब था। तो वहाँ पे गणपति बप्पा का पूरा एकदम अच्छा लग रहा था शहर, वो बोल रहे थे अगर आप 2 दिन और 3 दिन रुकते तो आप सब चीज़ें देख के जाते, बट यार इतनी छुट्टी नहीं थी, इतना टाइम नहीं था, रुक नहीं पाई, बट फिर भी मैं ये बोलती हूँ कि बप्पा की नगरी में हम लोग आए यही हमारे लिए, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता है, भगवान ने पहले ही डिसाइड करके रखा होता है कि यहाँ आना है, यहाँ जब जाना है, क्या करना है सब, तो उनकी नगरी में हम आए यही हमारे लिए, उनका आशीर्वाद ही मैं इसको समझती हूँ। और मुझे गणपति बप्पा सिद्धिविनायक के दर्शन के लिए मम्मी प्रीति सबको साथ में लेके जाना है। और ये एप्पल ऑरेंज और नाशपति हम लोग वहीं से लेके आए हैं, जब हमने एंटर किया था रूम में उन्होंने सजा के रखा होता, तो ये हमने खाया ही नहीं, एयरपोर्ट पे मैं खाने लगी, मैंने सोचा यार चाय पीनी है कि ऑरेंज खाना, तो मैंने चाय पी ली, तो इसलिए मैं इसको घर पे ले आई हूँ, अभी दोपहर में या शाम तक खाऊंगी। सो ये हमारे मुंबई की ताजमहल पैलेस की मतलब एक यादगार है एप्पल कीवी ऑरेंज। और जैसे ही हम एंटर किए थे तो उन्होंने हमें
तुलसी माला से हमारा स्वागत किया था। तो ऐसा जयपुर में भी हुआ था और मैंने इसको भी अब संभाल के रखना है, क्योंकि ये मतलब होती है ना कुछ, आप कहीं जाते हो ट्रिप पे तो आप उसको संभाल के रखो। तो मैंने इनको, मैं इसको रखूंगी अपने मंदिर में। और ये है ताजमहल टावर का और पैलेस का, इसको भी मैंने इनकी अलमारी में जो बुक शेल्फ है उसमें संभाल के रख दिया इस तरह से। तो त्योहारों का जो सीजन है वो शुरू हो गया है। यहाँ पे आके भी एक बहुत ही प्यारा सा वाइब मिला, थोड़ी याद आ रही थी मुंबई की। और आज यहाँ पे फिर हम जैसे ही अपने कैंपस में एंटर किए तो गणपति बप्पा की सेलिब्रेशन की तैयारियाँ हो रही थी। तो हर जगह ना मतलब वो खुशियों वाला माहौल है। तो ये मेरा ट्रिप था मुंबई का, जिसको मैंने पूरे एक व्लॉग में कवर किया है। ये मेरा ड्रीम था वहाँ पे रुकना, तो पूरा हो गया। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय। लाइक ज़रूर करना। आई नो व्लॉग बहुत लंबा हो गया है, प्लीज़ लाइक करना।